सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ स्ट्रगल एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की। अभी बज रहे हैं रात के पौने चार, सुबह के पौने चार, और नाइट शिफ्ट लगा के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। टॉपिक से पता लग ही गया होगा, तो नाइट शिफ्ट लगा के आ रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि फीस कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत लोगों ने डराते हैं पर्सनली। जब मैं भी नया आया था ना, तो काफ़ी लोगों ने ना एक हवा सा बना दिया था कि कनाडा में रूल्स रेगुलेशन से ही नहीं चलोगे तो डेपोटेशन पॉसिबल है और आप डिपोर्ट करते जाओगे। पर वो चीज़ नहीं बताई गई थी कि किस चीज़ के ऊपर डिपोर्ट करेंगे या क्या रीज़न होता है डिपोर्ट करने का। अब मैं जैसे लोगों की रील्स देखता हूँ, उसमें डाल देते हैं कि रील्स में डाल देते हैं कि किसी के गार्डन में बैठ के टिकट कट की, आप हो गए डिपोर्ट। ऐसा नहीं होता गाइस, सच बताऊं तो मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप देखो टिकट कटना। अरे एक मिनट रुको यार, टिकट कटना डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, और बहुत डिफरेंट है, क्योंकि टिकट के बेसिस पे कभी भी आप डिपोर्ट नहीं हो सकते। अब जैसे आपको बोल दिया कि, अब मैंने एक बंदे की रील देखी जिसमें वो बोलता कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैठ के टिकट कट गई और उस चीज़ पे ध्यान दो आप डिपोर्ट हो जाओगे। तो आप खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो, इमिग्रेंट आए हो, अगर आपको कोई स्टार्टिंग में डराता है ऐसे तो आपको कैसा लगता? तो जो बंदे डालते हैं ना बना के, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी ना एडमिसिबल नहीं है कैनेडियन गवर्नमेंट या इनके रूल्स में कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैठ के टिकट कट जाती है पर डिपोर्टेशन नहीं है। दूसरी चीज़, अब ये बोलते हैं कि आपकी हाथापाई होगी। चलो हाथापाई अलग चीज़ है, पर खुदा ना कोई ना करे हाथापाई, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता, पर उस चीज़ में भी ना डिपोर्टेशन होती नहीं है, क्योंकि पुलिस ना आपसी में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करा के छोड़ देती है और आपका बस पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाता है, पर डिपोर्टेशन नहीं होती। डिपोर्टेशन होती है गाइस जब आप स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल्स नहीं मानते, पर वो होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के वो रूल्स हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स नहीं है ना, तो तब भी डिपोर्टेशन नहीं होती, क्योंकि आपको स्टेट ने बोला है, फेडरल ने नहीं बोला। स्टेट रूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर है कंट्री के रूल्स, सॉरी एक स्टेट के रूल्स होते हैं। फेडरल रूल होता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री के रूल होते हैं। मतलब अगर हम कनाडा में रह रहे हैं ना, कनाडा में मैं BC में रह रहा हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में, तो ब्रिटिश कोलंबिया के जो रूल होंगे ना वो प्रोविंस रूल होंगे, और जो पूरे कनाडा के रूल होंगे ना, जो कैनेडियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके जो रूल होते हैं ना उसको बोलते हैं फेडरल रूल्स, फेडरल पॉलिसी, फेडरल गवर्नमेंट के रूल। अगर आप उनके उल्लंघन करते हो ना, तो आपको डिपोर्टेशन पॉसिबल मिलती है। और वो कौन कौन से रूल्स है आज बात करते हैं। अगर आप पहली बात कोई क्राइम करते हो, जैसे मर्डर या रेप, जो कि सऊदी वगैरह मिडल ईस्ट में क्या होता है, हाथ पैर काट देते हैं शायद, जान से मार देते हैं, लटका देते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि आपको सज़ा सुना के आपको परमानेंट कंट्री से बैन करके आपको डिपोर्ट कर देते हैं, आपके हाथ में डिपोर्टेशन पकड़ा देते हैं, क्योंकि हो गया फेडरल क्राइम, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप टैक्स में चोरी करते हो, टैक्स के रूल्स फॉलो नहीं करते, टैक्सेशन प्रॉपरली नहीं करते, तो वो भी फेडरल क्राइम माना जाता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के पैसे चोरी कर रहे हो, ये गवर्नमेंट के हिसाब से आप लीगली चल नहीं रहे हो, तो वो भी ना एक फेडरल क्राइम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डिपोर्टेशन पक्की ही पक्की है, ठीक है। तो तीसरी चीज़, अगर आप इलीगली काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 20 hours अलाउड है काम करना, पर आप कर रहे हो वीक में, पहली बात तो बाई वीकली आवर्स काउंट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बाई वीकली 40 hours अलाउड है आपकी उसके हिसाब से, और आप काम कर रहे हो 44 hours, तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप डिपोर्ट हो जाओ, क्योंकि वो एक फेडरल क्राइम के अंडर आता है। तो गाइस अभी करते हैं आगे बात। तो यही होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के फेडरल क्राइम नहीं मानो, फेडरल पॉलिसीज या रूल्स नहीं मानोगे ना, तो आपकी डिपोर्टेशन पक्की है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेट स्पीच फैला रहे हो या कनाडा को लेके आप कुछ गलत कर रहे हो, या आपने कुछ वर्बल स्पैट ऐसे करे हैं
जो कि कंट्री की डिग्निटी को इफेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपको ना डिपोर्ट कर देते हैं कंट्री में बैक, कि ये बंदा कनाडा के लिए ठीक नहीं है, ये वर्बली स्पैट कर रहा है, इसको कर दो डिपोर्ट। पांचवी चीज क्या है गाइस, ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, जो ड्रिंक एंड ड्राइव का होता है ना मुद्दा, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर आप सबसे जो सबसे बड़ा क्राइम है ना रेप और मर्डर के बाद, वो यहाँ पे माना जाता है ड्रिंक एंड ड्राइव का। वैसे तो पुलिस वार्निंग देके छोड़ देती है, पर इस केस में ना आपकी डिपोर्टेशन पक्की है। अगर आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ अल्कोहल पकड़ी गई ना, डिटेक्ट हो गई, तो आप डिपोर्ट होगे, ये कन्फर्म है, क्योंकि ये चीज़ कनाडा की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती और एक फेडरल क्राइम है। इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिपोर्टेशन को लीड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेक ऑफर लेटर्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक ट्रांसक्रिप्ट। आप कॉलेज में एडमिशन लेके आए हो, आपने ग्रेजुएशन की फेक ट्रांसक्रिप्ट दिखा दी, चलो आप पढ़ लिए, वर्क परमिट पे आ गए, पर अगर आप जब पीआर के लिए जाओगे या वर्क परमिट पे भी पकड़े जाते हैं बच्चे, तो वो लीड करती है डिपोर्टेशन को। तो गाइज ये थी कुछ चीज़ें जो डिपोर्टेशन कराती है, पर लोगों की फालतू की बातों में मत आना कि जिसमें लोग आपको डराते हैं कि ये चीज़ करोगे रिपोर्ट हो जाओगे। अगर एक तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है एम्बुलेंस वगैरह, तो लोगों की फालतू की बातों में मत आना, जो लोग आपको डराते हैं ना डिपोर्टेशन को लेके, ये वो उनकी बातों में मत आना, क्योंकि उनको खुद को कुछ नहीं पता होता कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बैठी तो डिपोर्ट हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता गाइस। चल रहो, कैनेडा में इतना भी वो वाला सैड वो टेंशन सीन नहीं है कि हर चीज़ में आपको डर के रहना पड़े, हर चीज़ में आपको ये सोचना पड़े कि हम डिपोर्ट हो जाएंगे। ऐसे डिपोर्ट नहीं करता कैनेडा, कैनेडा बहुत सपोर्टिव है, कैनेडा के रूल्स बहुत सपोर्टिव है, और हर किसी भी कंट्री का फेडरल क्राइम्स को या फेडरल पॉलिसीज या फेडरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को चैलेंज करोगे ना, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि फेडरल पॉलिसीज को चैलेंज मत करो, एक तमीज से सभ्य तरीके से रहो कंट्री में। बहुत कुछ चीज़ है इसमें यार सक्सेस बनने का, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसमें आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो अगर आप वो चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो उस चीज़ों के साथ साथ आपकी डिपोर्टेशन नहीं होगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी। मिलते रहेंगे ऐसी एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नॉट ट्रबल ए मोम एंड डैड। 15 अगस्त आ रहा है एंड वी विल मेक वीडियो ऑन 15 अगस्त ऑल्सो, एंड वी विल आस्क कैनेडियन पीपल, लोकल कैनेडियन पीपल अबाउट इंडिया, वट दे नो अबाउट इंडिया। सो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आई एम वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स इस साल के एंड तक, टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर्स का है, बहुत ज़्यादा टफ बात है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो 10K सब्सक्राइबर्स भी टच कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस हिसाब से सपोर्ट करते हो। ओके गाइस, बाय बाय।